हेलो एंड वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग जा रहे हैं कोपरा डैम व्लॉग बनाने के लिए। और कोपरा डैम बिलासपुर के नियरेस्ट प्लेसेस में से एक है, जो कि एक पिकनिक स्पॉट है। और उसको बहुत सारे लोग नहीं जानते कि वो एक पिकनिक स्पॉट है, हिडन प्लेस है। तो आज हम आप लोग को लेके चलते हैं कोपरा डैम और दिखाते हैं कि कोपरा डैम कैसा है, क्या है। अब चलते हैं वीडियो में आगे। बिलासपुर से 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है हमारा कोपरा डैम, जो कि बहुत ही खूबसूरत डैम है और पिकनिक स्पॉट भी है अच्छा सा। और हम लोग लेके चलते हैं आपको कोपरा डैम। बाकी बहुत लोग नहीं जानते हैं कि कोपरा डैम में एक पिकनिक स्पॉट भी है। तो जो लोग के पास कम टाइम रहता है घूमने के लिए किसी दिन, तो लोग कोपरा डैम आ सकते हैं। बहुत ही बढ़िया जगह है, तो वहाँ घूम सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। बस साफ़ सफाई का ध्यान रखें और कचरा ना फैलाएं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको कोपरा डैम। तो फाइनली गाइज हम लोग पहुंच गए हैं कोपरा डैम। और ये है पीछे का नज़ारा कोपरा डैम का। और ये काफ़ी बड़ा पिकनिक स्पॉट है, बहुत ही ज़्यादा क्षेत्र में पानी फैला हुआ है। और इधर खेती वेती होता है, इधर पीछे में खेत है। और ये इधर अंदर में इसका जो बहता है वो फुल होने के बाद वो है उलट, जिसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में हम लोग। और उधर ही हम लोग जाएंगे अभी अंदर। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त नज़ारा है, इसे आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा डैम है। और बरसात के सीज़न में तो एकदम ये लबालब भरा रहता है। आ चुके हैं अब कोपरा डैम के उलट के पास। और यहाँ पास ही पिकनिक मनाने का जगह भी है ये पीछे में। और ये इधर वे उलट चलता है और ये पूरा कोपरा डैम है, बहुत बड़ा विशाल है और काफ़ी बढ़िया प्लेस है और बहुत बड़ा है। लेके चलते हैं हम लोग आपको पिकनिक स्पॉट की तरफ, पीछे की तरफ दिखाते हैं कैसा है नज़ारा। ये रहा, इधर से पानी बहता है और ये काफ़ी अच्छा फूल वगैरह है यहाँ पर लगा हुआ है। और अभी पानी थोड़ा थोड़ा चल रहा है यहाँ कोपरा डैम में। बाकी बरसात के सीज़न में हम लोग आए थे, काफ़ी अच्छा माहौल था यहाँ का। और ये देख लीजिए, काफ़ी बढ़िया फूल और पत्तियाँ हैं, काफ़ी ज़बरदस्त नज़ारा है। यहाँ भैया लोग नहाते वहाते हैं, कई ज़बरदस्त माहौल है यहाँ का। लोग बरसात में आए थे, हम लोग बरसात में आए थे तो पीछे नहाए थे। और फिर उसके बाद हम लोग इधर पिकनिक मनाए थे पीछे तरफ, और उसके बाद हम लोग गए थे घर। बहुत ही बढ़िया जगह है यहाँ पिकनिक मनाने के लिए। तो बिलासपुर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, बिलासपुर रायपुर हाईवे के 3-4 किलोमीटर अंदर में है। तो बिलासपुर के लोगों को, ज़्यादा लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पर एक पिकनिक स्पॉट भी है, डैम भी है। तो आप लोग बिल्कुल आइए और इस जगह को घूमिए और देखिए। और सबको वाला प्लेस जो है पिकनिक मनाने के लिए है, और लोग आते हैं पिकनिक मनाते हैं, बाकी एंजॉय करने के बाद कचरा यहीं डाल देते हैं। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि कचरा बिल्कुल ना फैलाएं और साफ़ रखें जगह को, ताकि अन्य लोग भी आएँ तो देखें कि साफ़ है। ये चूल्हा वगैरह बना है,
तो लोगों ने खाना बनाया, पिकनिक मनाया, इधर बढ़िया जगह है। तो जैसे और पानी वगैरह जाते हैं वैसे ही यहाँ भी आए, पिकनिक बनाएं और इन्जॉय करें, बस साफ़ सफाई का ध्यान दें। और फिर हम लोग चलते हैं, फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। काफ़ी बढ़िया जगह था ये, छोटा है बाकी अच्छा है, और बिलासपुर से ज़्यादा दूर नहीं है। तो आप लोग एक बार ज़रूर आइए, देखिए और कमेंट में बताइए कि कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।